साथियों, महाभारत में ही एक और किरदार थे, शल्य का नाम सुना होगा आपने। ये शल्य वैसे कर्ण के सारथी थे, उधर अर्जुन के साथी कृष्ण थे, इधर कर्ण के सारथी शल्य थे। लेकिन ये शल्य जो भी युद्ध में था उनको हतोत्साहित करने का ही काम करना, उससे क्या लड़ोगे, तुम्हारे पास तो कोई दम नहीं है। अरे तुम्हारे घोड़े में दम नहीं है, तुम्हारे रथ में, ऐसा ही बस यही काम। अब ये शल्य इंसानी ऐसा नहीं है, शल्य एक वृत्ति है, और कोई महाभारत के में युग में ही थी ऐसा नहीं, आज के युग में भी है। कुछ नहीं होगा, कैसे करोगे। जब ये डोकलाम हुआ तो लोग निराशा, यानी कुछ नहीं कर सकते मैं, हमारा कुछ लोगों को निराशा फैलाने में बड़ा आनंद आता है, अद्भुत आनंद, उनको रात को बहुत अच्छी नींद आती है। और ऐसे लोगों के लिए आजकल एक क्वार्टर की ग्रोथ कम होना जैसे सबसे बड़ा खुराक मिल गया है। अब ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, ऐसे लोगों को जब डाटा अनुकूल होता है तो उन्हें वो इंस्टीट्यूट भी अच्छी लगती है, वो प्रोसेस भी सही लगता है। लेकिन जैसे ही ये डाटा उनकी कल्पना के प्रतिकूल होता है तो ये कहते संस्थान ठीक नहीं है, प्रोसेस ठीक नहीं है, करने वाले ठीक नहीं है, भांति भांति का आरोप लगाते हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है कि शल्य वृत्ति को जब तक हम नहीं जानेंगे, हम सत्य के रास्ते की जो सोच रहे हैं ना, सत्यम बोध, साथियों क्या आपको लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में जीडीपी की ग्रोथ किसी तिमाही में 5.7% तक पहुंची है? क्या पहली बार हुआ है क्या? पिछली सरकार में 6 साल में 8 बार ऐसे मौके आए जब विकास दर 5.7% या उससे नीचे गिरी थी। देश की अर्थव्यवस्था ने ऐसे क्वार्टर्स भी देखे हैं जब विकास दर, भूलिए मत पुरानी बातों को, जब विकास दर 0.2%, 1.5% यहां तक गिरी थी। ऐसी गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए और ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उस कालखंड में, खतरनाक क्यों होती है मैं बताता हूं, क्योंकि इन वर्षों में जब ये ग्रोथ रेट इतनी नीचे गिरी थी, भारत का हायर इन्फ्लेशन, हायर करंट अकाउंट डेफिसिट और हायर फिस्कल डेफिसिट से जूझ रहा था। ऐसी संकट की घड़ी में यह हाल हुआ था। साथियों, अगर 2014 के पहले के 2 वर्ष यानी साल 2012-13 और हमारी सरकार और उनके 12-13 और 13-14 देखें तो औसत वृद्धि 6% के आसपास थी।